लगातार 5 वर्षों से हम कर्मचारियों के समर्थन में हैं, ओपीएस के समर्थन में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेरुखी दिखाई और एक बार भी उन्होंने कर्मचारियों की बात को सुना नहीं। उनके ऊपर लाठियां बिछाई, डंडे बरसाए, घोड़े दड़वाए और उन कर्मचारियों के ऊपर झूठे केस भी बनाए और इवन की जो इन्होंने भर्तियां भी की हैं चोर दरवाजे से, वो भी वहीं पर ही हुई हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर विभाग की बात ले लो, चाहे बागवानी विभाग की बात ले लो, चाहे वो जल शक्ति विभाग की बात ले लो, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग की बात ले लो, इन्होंने चोर दरवाजे से बहुत भर्तियां की हैं। विश्वविद्यालय में इन्होंने चोर दरवाजे से भर्तियां की हैं। कोई सारे नियमों को ताक पे रख के जो है इन्होंने अपने लोगों को वहां पे बिठाया। आम आदमी पार्टी के लोग तो खुद बेचारे रिजाइन करके हमारी पार्टी में मिल रहे हैं आकर। हिमाचल विधानसभा चुनाव में प्रचार और प्रसार जारी है, लगातार जो प्रत्याशी है लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने जो मैनिफेस्टो वो बता रहे हैं और क्या 5 सालों में किया है इसके बारे में भी बताया जा रहा है। हमारे साथ बरसर विधानसभा से मौजूदा विधायक भी हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं इंदर दत्त लखनपाल जी, सीपीएस रह चुके हैं पूर्व में। सर बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल टुडे में। प्रचार और प्रसार का एक नया तरीका हम देख रहे हैं, ट्रैक्टर पे, वैसे तो हम लोग जो कहते हैं प्लेन्स में ज्यादा इस तरह से प्रचार करते हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं, लेकिन इस बार ट्रैक्टर पर प्रचार कर रहे हैं। किस तरह के लोगों के आपको व्यू पॉइंट्स मिल रहे हैं और क्या उनके मुद्दे हैं? देखिए, प्रचार और प्रसार करने का कोई भी तरीका हो, प्रचार और प्रसार ही करना है। और ट्रैक्टर जो है हमारे इनका जो किसानों का जो है एक बहुत बड़ा योगदान है ट्रैक्टर का इसमें, आज के समय में जहां पहले बैलों से खेत जोते जाते थे, आज ट्रैक्टर ने उसका स्थान ले लिया है। और तकनीकी युग में इसकी जरूरत भी है। और जहां तक प्रचार और प्रसार की बात है, आपको मालूम है कि अब चुनाव होने जा रहे हैं, 12 तारीख को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। और पिछले 10 वर्षों से मैं लगातार बरसर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और यहां के लोगों का बहुत आशीर्वाद मुझे मिलता है, प्यार स्नेह और आशीर्वाद। यही कारण है कि लोगों के बीच में जाकर मुझे बहुत खुशी की अनुभूति होती है। और जहाँ तक विकास की बात है, बहुत विकास हमने इस क्षेत्र का किया है। जब पूर्व में हमारी सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे जी। तो उनके नेतृत्व में अपने विधानसभा क्षेत्र में हमने कोई 400-500 करोड़ रुपए खर्च करवाए थे विकास के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो सड़कों और पुलों की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य संस्थानों की बात हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग की बात हो, चाहे जल शक्ति विभाग की बात हो, एग्रीकल्चर विभाग की बात हो, पशुपालन विभाग की बात हो, आयुर्वेदा की बात हो, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट में हमने इन करोड़ जो है वो काम करवाए हैं। और यही कारण है कि लोगों ने मुझे दूसरी बार विधायक बनवाया। इस बार भी हमने, हालांकि सरकार भाजपा की है, लेकिन फिर भी जो एक विधायक के नाते मुझसे बन पड़ता था, वो हमने पूरी कोशिश की। और ज़्यादा क्या हुआ कि 2 वर्ष जो है कोरोना में निकल गए और कोरोना काल की वजह से जो हमारा बजट है उसमें गड़बड़ हो गई और जो पैसा जितना हमें चाहिए था विकास के लिए वो हो नहीं पाया। और अभी ना ही सरकार ने कोई, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जयराम जी की सरकार, बार बार एक बात बोलती कि डबल इंजन की सरकार, लेकिन डबल इंजन की सरकार कहीं धरातल पर नज़र नहीं आई। जिस प्रकार से देश के अंदर एक विश्व के मजबूत प्रधानमंत्री जिन्हें कहा जाता है नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में यदि हमारा छोटा सा पहाड़ी राज्य अविकसित रह जाए तो वो बहुत चिंता का विषय है। और यदि डबल इंजन की सरकार थी देश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहाँ बीजेपी की सरकार थी, तब तो पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए थी। जयराम जी हर महीने कभी 1000 करोड़ का लोन ले रहे हैं, कभी 2500 करोड़ का लोन ले रहे हैं और आज लोन ले लेके जो है उन्होंने हमारे प्रदेश का जो वित्तीय ढांचा बिल्कुल खराब कर दिया है। और जहां पहले जब हमारी सरकार थी भारतीय कांग्रेस पार्टी की, वीरभद्र सिंह जी की, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत हल्ला मचाते थे कि भाई ये जो लोन ले रहे हैं, इसे ऋण ले रहे हैं, इससे प्रदेश की खस्ता हालत हो गई है, आर्थिक दिवालिया हो गया है। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूँ जयराम जी से कि आपने क्यों फिर इतना सारा लोन लिया जब आपके पास मोदी जैसे एक नेतृत्व देश के अंदर बैठा हुआ है, तो आप उसका जो है जवाब दें।
लेकिन मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है, जयराम जी के पास कोई जवाब नहीं है। मोदी जी हमारे प्रदेश में कोई 8 बार आ गए, लेकिन 8 बार आके उन्होंने कुछ हमारे प्रदेश को नहीं दिया, ना तो कोई आर्थिक पैकेज दिया, ना औद्योगिक पैकेज दिया, और ना ही सामाजिक रूप से हमारे विधान हमारे हिमाचल प्रदेश का वो कोई विकास करवा। हाँ, उन्होंने एक बड़े बड़े इवेंट बहुत ज्यादा किए, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की, सरकारी खर्चे पे करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, सरकारी कर्मचारियों को लगा दिया जनता ढूंढने के लिए। वो एक अपने आप में बहुत विचित्र सा कार्यक्रम इन लोगों ने किया है, केवल मात्र ये दिखाने के लिए कि ये सारे के सारे लोग हमारे प्रशंसक हैं, हमारे को चाहने वाले हैं, दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन जो धरातल में जो व्यक्ति जो यथार्थ में जो वास्तविकता है वो उससे परे है। लखनपाल जी, अगर बात करें जिस तरह से आपने पिछले सरकार के बीजेपी सरकार के कार्यकाल की बात करी, एक मुद्दा हमेशा से रहा ओपीएस का, कर्मचारियों ने विरोध भी किया, सड़कों पर भी आए, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी किया, और आपने अपनी गारंटियों में एक ये मुद्दा रखा भी है कि 10 दिनों के बाद जो है लागू कर दी जाएगी ये स्कीम, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सेंटर का साथ होना भी बहुत जरूरी है, तो किस तरह से करेंगे, क्योंकि इस वक्त सेंटर में बीजेपी है, कोई इसके लिए रोड मैप या किस तरह से क्या सोचा है? देखिए, जहाँ तक ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बात है, हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी बहुत ज़्यादा हैं और हमारे जो आर्थिकी है वो कर्मचारियों के ऊपर टिकी रहती है, और लगातार 5 वर्षों से हम कर्मचारियों के समर्थन में हैं, ओपीएस के समर्थन में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेरुखी दिखाई और एक बार भी उन्होंने कर्मचारियों की बात को सुना नहीं, उनके ऊपर लाठियाँ बिछाई, डंडे बरसाए, घोड़े दड़वाए और उन कर्मचारियों के ऊपर झूठे केस भी बनाए। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैसे आप कह रही हैं कि कैसे इसको लागू करेंगे, वो तो एक आर्थिक प्रबंधन की बात होती है। जब सरकार बनेगी और कर्मचारियों का हक है, उसको केंद्र सरकार रोक नहीं सकती, अगर केंद्र सरकार उसको रोकेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट से उसको बहाल करेंगे, उनको करना पड़ेगा बहाल, वो जितना मर्जी जोर लगा लें उनको देना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारियों का पैसा है, वो देना पड़ेगा जो वहाँ जमा है, और जो और एक्स्ट्रा पैसा देना वो बजट में प्रावधान करके उनको देंगे, क्यों नहीं देंगे, जब राजस्थान में दे सकते हैं, छत्तीसगढ़ में दे सकते हैं, पंजाब में दे सकते हैं, तो हिमाचल में क्यों नहीं दे सकते। और आज जरूरत है, समय की मांग है कि जो कर्मचारी जो मांग रहे हैं उनको मिलना चाहिए। एक और चीज जो है कही जाती है कि जो विकास हुआ है वो सिराज में और धर्मपुर में हुआ है, यानी कि मंडी में हुआ है, कितनी सहमति है आपकी इस बयान के? बिल्कुल सही बात है, और ये बात तो उनके मंत्री भी बोलते हैं, बीजेपी के उनके विधायक भी बोलते हैं, सब परेशान है, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जितने भी आए, चाहे जल शक्ति विभाग का प्रोजेक्ट आया, चाहे कोई पीडब्ल्यूडी का प्रोजेक्ट आया, कोई बागवानी का प्रोजेक्ट आया, सारे का सारा पैसा जो है वो जयराम जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में और धर्मपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी में लगे हैं, और इवन की जो इन्होंने भर्तियां भी की हैं चोर दरवाजे से, वो भी वहीं पर हुई हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर विभाग की बात ले लो, चाहे बागवानी विभाग की बात ले लो, चाहे वो जल शक्ति विभाग की बात ले लो, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग की बात ले लो, इन्होंने चोर दरवाजे से बहुत भर्तियां की हैं। विश्वविद्यालय में इन्होंने चोर दरवाजे से भर्तियां की हैं, कोई सारे नियमों को ताक पे रख के जो है इन्होंने अपने लोगों को वहां पे बिठाया है, तो इससे जो है जो एक प्रजातंत्र में जो बच्चों को एक जरूरत थी उसको इन्होंने उसके साथ कुठाराघात किया है। अब पुलिस की भर्तियां इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है प्रदेश में, भाजपा की सरकार बोलती है कि हम तो बहुत शुद्ध हैं, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, अरे इससे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है कि आपके पुलिस भर्ती में लाखों रुपए का लेन देन हुआ, बच्चों का भविष्य खराब हुआ, उसके बारे में जयराम सरकार बोलती नहीं है। जब हमने सीबीआई की मांग की तो उन्होंने उन्हीं पुलिस अधिकारियों को जांच में लगा दिया जो कार्यरत थे, जिनके जो सब पता था कि ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बार बार मांग के बावजूद उन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी नहीं करी, तो कहीं ना कहीं तो दाल में काला है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी का एरिया पड़ता है ये, क्या प्रभाव पड़ेगा उन्हें उनके यहाँ आने से, या उनके क्योंकि वो सेंटर में है? देखिए, उनके आने का क्या प्रभाव पड़ेगा, उन्होंने 4 बार उनको यहाँ से जिताकर भेजा है, आज वो कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं देश के अंदर। हम तो ये पूछना चाहते हैं उनसे, आप जनता से भी पूछिए कि अनुराग ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए, खासकर जो हमारा पार्लियामेंट्री सेक्टर है, उसके लिए उन्होंने क्या किया है? वो तो झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा, कभी बोलते हैं मेडिकल हॉस्पिटल जो है, कॉलेज जो है, हमने हमीरपुर में हमें लाइक लेके आया, कहाँ से लेके आए? वो तो उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी, गुलाम नबी आजाद जी हेल्थ मिनिस्टर थे और उन्होंने हमें दिया, ये 4 मेडिकल कॉलेज दिए थे हमारे स्टेट में उन्होंने दिए, और विद बजट दिए थे, 300-300 करोड़ रुपया उसमें सेंक्शन किया था,
और ये झूठा प्रचार करना कि भी ये मैं ये कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं रेल लेके आऊंगा, वो कहाँ गई। डबल इंजन की बात करते हैं, उसमें तो अभी तक सिंगल इंजन भी नहीं लगा, पता नहीं किस कौन सा ट्रेन है वो, हमें तो कभी दिखती नहीं है वो ट्रेन कहाँ लेके आए वो। अभी उन्होंने एक आनन फानन में शिलान्यास रखवा दिया था मोदी जी से, जब मोदी जी का दौरा था ऊना के अंदर, तो फिर वो कैंसिल हुआ। मतलब झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना, और उनका यहाँ कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि लोग समझ चुके हैं उनकी ऊंची राजनीति को। झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं करते हैं। तो अगर उन्होंने कुछ किया होता तो उन्होंने गली गली में घूमने की जरूरत क्या थी? तो लोग खुद जानते हैं कि किसने क्या किया। एक बार उन्होंने वो लगाए थे कूड़े के डब्बे, आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में क्या पूरे प्रदेश में कहीं चले जाओ वो कूड़े के डब्बे आपको कहीं नहीं नजर आएंगे। तो ये उस वक्त भी लाखों करोड़ों रुपए का जो इस प्रकार का जो खेल किया जाता है, जिससे जो लोगों को परेशानी होती है, लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है, उसका कोई इनको ध्यान नहीं है। हमीरपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं, क्या लग रहा है इस पर कांग्रेस काबिज कर पाएगी सारी सीटें? पांचों की पांचों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और थम्पी की मेजोरिटी से जीतेगी। कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरे हिमाचल में? पूरे हिमाचल में 50 से ज्यादा जाएंगे इस बार। आम आदमी पार्टी का कोई आधार नजर आया? आम आदमी पार्टी के लोग तो खुद बेचारे रिजाइन करके हमारी पार्टी में मिल रहे हैं आकर, तो उनका क्या बोल सकते हैं। कितने लोग ज्वाइन करवा लिए? जितने भी थे वो सब ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ आज भी किए कुछ कल करेंगे, ये चला ही हुआ काम। जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं गांव में, वो आम आदमी पार्टी के लोग हमसे मिल रहे हैं और हमारा प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं पूरे जोर शोर के साथ। तो और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो नाराज हैं, जिनको आज कुछ मिला नहीं है या जिनका मान सम्मान नहीं हुआ, वो भी हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आपको लग रहा है भाजपा को इस चीज का नुकसान होगा क्योंकि मतभेद बहुत ज्यादा है? नुकसान तो हम करेंगे बड़ी जोर के साथ, उनका तख्ता पलट देंगे, सरकार बदल देंगे, तो नुकसान तो है ही नुकसान में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल, अगर तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ इंद्रदत्त लखनपाल, जिन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर जो मैंने 5 साल काम किया है उसी मुद्दे को लेकर सरकार लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं। लेकिन इतिहास रहा है कि हिमाचल में एक समय पे कांग्रेस 5 साल राज करती है और 5 साल जो है बीजेपी राज करती है, लेकिन इस बार क्या ये तख्ता बदलता है या नहीं, ये सब जनता के हाथ में है। कैमरा पर्सन मनजीत के साथ पूजा वर्मा, हिमाचल टुडे, हमीरपुर।